बहुत अच्छा लगा इस एज में आए, समय दिए और देखे, मतलब सबकी आंख इस तरह से लग रहा था ना, जो मतलब कि पूरा नोच के मतलब कि अब्सॉर्ब कर ली, इस तरह से हमको देखने को मिला। और इस एज में ये चीज होना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं ना कहीं अपना जो स्टार्ट किया था वो एक नॉर्मल माइक्रोबिट के बारे में मैंने कहीं देखा था, ये है माइक्रोबिट, और इस पे मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो है ना, हम थर्मामीटर लगा के इस रूम का टेम्परेचर माप सकते हैं, स्टॉप वॉच बना सकते हैं इससे, और भी बहुत सारे चीज बनता है इससे। और मैंने 2-3 प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में किया था इससे, इस पे अपना नाम डिजिट में वहाँ जो लिख रहा होगा तरबीन, इस तरह का देखे वो भी इस पे हम लोग मतलब बना सकते हैं अपना नाम या बहुत सारा इस तरह का, मतलब कि 4-5 प्रोजेक्ट मैंने किए। उसके बाद इसको चेंज किया, फिर इसका सर्किट प्लेग्राउंड बनाया, उसके बाद आर्डिनो पे गया। तो बेसिक यहाँ से एक मेक फूड वेबसाइट है, तुम लोग लिखना चाहोगे तो लिख लो वहाँ, ये प्रीमियम वहाँ के लाखों बच्चे हैं वहाँ के साथ रहेंगे। हाँ बताइए, ये बात कहिएगा सुन लो, हमने 11th में स्टार्ट किया और तुमने 9th 10th में इतना चीज जान रहे, ये तो लोग नहीं जान रहे, वाकई में नहीं जान रहे। कल्पना करो 11th में कितना कुछ जान लोगे अगर पर से एक घंटा या आधा घंटा इसमें ढूंढ, कितना अच्छी बात होगा। और टेक्नोलॉजी को जाना ना तुमको लगेगा, कहते हैं आइंस्टाइन साहब कहते हैं जो अगर आप अपने बच्चे को तेज बनाना चाहते हैं तो उनको परियों की कहानी सुनाइए, और तेज बनाना चाहते हैं तो और परियों की कहानी सुनाइए। इस पर मैंने सोचा, काफी सोचा, ऐसा क्यों, क्योंकि इमेजिनेशन पावर जो है ना आपका बहुत बढ़ेगा। अगर आप ताली बजा रहे हैं और फैन चल रहा है तो ये एक जादू है, और परियों की कहानी में होता है ऐसे उठाया उठ गया कोई चीज, अब पॉसिबल है, यही इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल कर सकता है, ये है। तो इमेजिनेशन इज बेटर देन एक्सपेरिमेंट, पहले आप इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए, तब जाके धरातल पे उसको उतारेंगे, बड़े मॉडल बनाएंगे। तो पहले मैं सोचना है, जरूर प्रॉब्लम है सोचिए। स्कूल में ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा, अभी तक तो नहीं हुआ। और सर नया जानकारी मिला है, कैसे सर? वो जो बोलो सब मत बोलो, अलग से बोलो, हम लोग कैसे लगे, कैसे बन गए, स्किल कैसे बन गई, पढ़ना ही नहीं है, करना भी है, इसका इंग्लिश में क्रिएटिविटी। अपना नाम नहीं बताया, नाम बोलना बस, मम्मी को बोला कुछ बोल रहे हैं, आपका नाम वसीम आलम, अच्छा लगा सर आपका। फीडबैक हम लोग सर, बच्चों को नया नया आइडिया सीखने को मिला, इससे नया नया सोच डेवलप होगा बच्चों लोग का, और कोई करना चाहे तो वो ज्वाइन करके उसको डेवलप कर सकते हैं अपने माइंड को, और वो मैट्रिक्स वगैरह जितना भी इसमें दिखाया गया सभी डेवलप करे अपना, और कुछ नया भी सोच सके अपने तरफ से। पहले अपना नाम बताना होगा ना किस क्लास में, वो बाप रे, आपको माना, आपको पता है बच्चा लोग तभी बुलाएगा, बच्चा लोग तभी बुलाएगा। 17 साल से CBSE टॉपर कौन है पता है आपको, 12 साल से लड़की है, क्या कारण है? तीन लड़की है अभी हमारा वो चला रही है स्टार्टअप पायलट बने हुए हैं, कल्पना चावला है वो जो वहाँ वॉकिंग क्या है, सुनीता सुनीता विलियम्स से,
तो क्या गड़बड़ हो गया भाई, हमारा लड़का है वो तकलीफ होती है, लड़की तो घर में आता था चावल है, है? तो लड़की में क्या हो गया भाई, तो लड़का लड़की का अच्छा क्यों करा, लड़का नहीं करेगा अच्छा टीचर गुड, तो सोच सकता है मना चाहते हैं तो आपका अगर जुड़ी वर्ड वो यूज किया तो आज ही आपको अपने कंपनी में ले लेंगे। थैंक यू बहुत अच्छा। इन्होंने भी ऐसा बात बोला है, हमको भरोसा हुआ है। अच्छा हम तो बहुत, हम लोग कोई अच्छा काम नहीं किया, हम लोग बहुत फालतू प्रोसेशन नहीं है, सब बताते हैं आपको लग रहा है क्या, कितना आवाज मिलेगा हम लोग को, हम लोग क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ होता है। लेकिन यस वही हीरा की बात, आपका भरोसा हम पे बढ़ा है, हमको बहुत बड़ा मार्क्स, हम डिस्टिंक्शन से पास हो गया, कुछ हमने बात जरूर करता है, भरोसा किया हम तो, हमको हम सॉरी हमने बहुत फालतू बात बोला है, नहीं आपका भरोसा लिया है तो जीत गए। हम कुछ करें अच्छा मैडम का बात, मैडम भाई आप, आपका तो बोला बहुत जरूरी, देखिए आपका नाम क्या हुआ, संजीव एंटी, आपका नाम एंड आपका टीम, अभी ये स्कूल का